ज्योतिषविदों की माने तो समय समय पर ग्रह नक्षत्र में बदलाव होते रहते हैं। कभी कभी दो शत्रु ग्रह एक ही राशि पर युति बनाते हैं तो कभी कभी दो मित्र ग्रह एक ही राशि पर युति बनाते हैं, जिसका प्रभाव देश दुनिया और मानव जीवन पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही दो ग्रह की युति का प्रभाव 12 राशियों के राशिफल पर भी देखने को मिलता है। वही दो शत्रु ग्रह मार्च महीने में एक ही राशि पर मिलने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव कई राशि वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। जानिए देवघर के ज्योतिष आचार्य से कि कौन कौन सी है वो राशि जिन पर खतरनाक प्रभाव पड़ने वाला है। ज्योतिष आचार्य जी, शनि मंगल की युति किस राशि पे होने जा रही है और यह युति राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? अगर प्रभाव पड़ेगा तो कितने राशि से प्रभावित होने वाले हैं? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। बहुत दिनों के बाद यानी 30 वर्षों के बाद यह शनि और मंगल की युति बन रही है फरवरी में कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि पर शनि और मंगल जब एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो कुछ राशि वालों के लिए यह खतरनाक साबित हो जाता है। कुछ राशि वाले इससे विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रह कुंभ राशि पर विराजमान हो रहे हैं। इससे विशेष रूप से 3 राशि वालों का बहुत खराब समय व्यतीत होगा जब तक शनि और मंगल की युति रहेगी। तो 3 राशि वाले कौन कौन हैं? कन्या, वृश्चिक और मीन। ये 3 राशि पर विशेष कुदृष्टि शनि और मंगल का होगा। तो शनि मंगल की कुदृष्टि से क्या हो सकता है? फिजूल खर्ची आपका बढ़ेगा, आपका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करेगा, आप उलूल जुलूल सोचना प्रारंभ करेंगे, आपके सेहत पर भी असर पड़ सकता है और शनि मंगल क्रूर ग्रह आपको दुर्घटना भी करा सकता है, चोट चपेट भी करा सकता है। इसलिए इस अवधि में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, जब तक कि उस कुंभ राशि पर से मंगल अलग नहीं हो जाते हैं शनि से।